नमस्कार, वेलकम टू कुकिंग विद अंकित। मैं सुकृति आपका कुकिंग को इनकरेज करने के लिए आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्टीम राइस केक विद काला चना। चना बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1/2 कप ओवरनाइट सोक किया हुआ काला चना, 2 टमाटर चॉप किया हुआ है, 2 मीडियम साइज स्लाइस प्याज, 10 कलियाँ लहसुन, 2 अदरक की छोटे छोटे टुकड़े और 2 हरी मिर्च, इसको एक साथ में पेस्ट बनाना है, 2 तेज पत्ते, 2 सूखा लाल मिर्च, 2 टीस्पून मीट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक या स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून ऑयल। चना बॉईल करने के लिए 2.5 कप पानी। सबसे पहले मैंने कुकर में चना को डालूंगी। अब पानी कवर लगा के 4 सीटी तक इसको कुक करूंगी। चना बॉईल करके रेडी हो गया है। अब मैंने चना के लिए छौंक बनाऊंगी। इसके लिए मैं एक कढ़ाई में तेल गरम करूंगी। तेल गरम होने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ तेज पत्ता और सूखा लाल मिर्च। इसको 1 मिनट सौते करूँगी। 1 मिनट के बाद प्याज डालूँगी। प्याज को 2 मिनट सौते करूँगी। प्याज सौते करने के बाद ऐड करना है अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट। अदरक लहसुन को 2 मिनट सौते करने के बाद ऐड कर रही हूँ टमाटर। टमाटर को 3-4 मिनट सौते करूँगी। टमाटो सौते होने के बाद ऐड करूंगी हल्दी पाउडर और नमक। नमक हल्दी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं डालूंगी मीट मसाला। अगर मीट मसाला नहीं है तो जीरा पाउडर, धनिया पाउडर डालने से भी चलेगा। सूखा मसाला प्याज अदरक लहसुन के साथ अच्छे से मिक्सअप हो गए हैं। अब मैंने इसमें ऐड करूंगी बॉईल किया हुआ चना। चना ऐड करके एक बार अच्छे से मिक्स करूंगी और इसको कवर करके 5 मिनट कुक करूंगी। 5 मिनट हाई फ्लेम पे कुक करने के बाद एक बार मिक्स करूंगी और इसके ऊपर से मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड करूंगी। गरम मसाला डाल के मैंने गैस को ऑफ करूंगी और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 5 मिनट हो गए हैं। अब मैंने चना को एक बोल में निकाल लूंगी। स्टीम राइस केक बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1/2 कप ग्रेटेड नारियल। ये नारियल को मैंने फाइनली ग्रेट किया। राइस पाउडर चाहिए 1/2 कप और 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून ग्रेटेड नारियल चाहिए मुझे बीच में फिल करने के लिए। 1/4 टीस्पून साबुत जीरा, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 कप पानी। सबसे पहले मैंने ग्रेटेड किया हुआ नारियल के साथ राइस पाउडर को मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ साबुत जीरा और नमक। इसको और एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे सूखा सामान मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा थोड़ा पानी। पानी एक बार में मिक्स नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पानी देना है और इसको मिक्स करते जाना है।
मैंने मिक्स कर लिया है। ये मिक्सचर ऐसा होना चाहिए कि जब हम हाथ से बाइंड करें तो ये हाथ के बाइंड में आ जाए, पर ड्राई है, कोई गीला नहीं लगना चाहिए। अब मैं इसी मिक्सचर को मोल्ड में डालूंगी। मैं यूज़ कर रही हूँ ऐसा एक स्टीमर जिसमें सिलिंड्रिकल शेप बनेगा। आपके पास अगर ऐसा बर्तन नहीं है तो आप इसको इडली मोल्ड पे भी बना सकते हैं। अब मैं नीचे की पोर्शन इसमें पानी डालूंगी और पानी को बॉयल होने के लिए गैस पे रखूंगी। अब मैं मोल्ड के नीचे 1 टीस्पून ग्रेटेड नारियल डालूंगी और फिर ये नारियल की मिक्सचर को डालूंगी। मैंने आधा हिस्सा राइस और कोकोनट की मिक्सचर को डाल दिया है। अब मैंने इसके अंदर फिर से डालूंगी 1 टीस्पून ओनली ग्रेटेड नारियल को और फिर इसके ऊपर राइस और कोकोनट की मिक्सचर को डालूंगी। मोल्ड को पूरा इसी मिक्सचर से फिल करूंगी। मैंने मोल्ड को पूरा भर लिया है। अब मैंने इसका कवर लगाऊंगी और इसको स्टीम में रखूंगी। स्टीम के लिए मैंने जो पानी रखा था वो उबलना स्टार्ट हो गया है। अब मैंने इसके ऊपर इसको रखूंगी। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए स्टीम में रखूंगी। 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं गैस को ऑफ करूंगी और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं इसको निकाल लूंगी। ये ठंडा हो गया है। अब मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लूंगी। अब मैं इसका लेट को ओपन करूंगी और पीछे से इसको थोड़ा सा प्रेस करूंगी। स्टीम राइस केक रेडी है, पर मेरे पास और एक केक बनाने की मिश्रण बचा हुआ है तो मैं और एक केक बनाऊंगी। स्टीम राइस केक रेडी है। इसको चने के साथ, केला के साथ सर्व किया जाता है। आपके पास अगर सिलिंड्रिकल मोल्ड नहीं है तो इसको इडली मोल्ड पे भी बनाया जा सकता है। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ मेरा कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।